सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन रथ चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइज, मैं आज फिर से एक बहुत अच्छा ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों। होप आपको ये पसंद आएगा एंड आपके फ़ोन पर वर्क करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए एक VPN की ज़रूरत है। मैं इस VPN का नेम एंड पे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं दिखा देता हूँ। मेरा फिलहाल अभी यहाँ पर देख सकते हो नेट ऑन है, लेकिन कोई भी वेबसाइट नहीं खुलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं अगर google.com भी खोलना चाहता हूँ तो भी ये भी नहीं खुलेगा। लेकिन मेरा नेट अभी फ़िलहाल ऑन है, यहाँ पर देख सकते हो कोई भी वेबसाइट नहीं खुलने वाला है, google.com भी नहीं खुलने वाला है। तो दोस्तों, आप इसके बाद क्या करोगे, पहले से ये VPN को आप इंस्टॉल करके रखे, उसके बाद आप ये VPN यूज़ करें। तो दोस्तों, आप ये VPN ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, कोई कुछ ऑप्शन पर क्लिक मत करिए। यहाँ पर रिमोट पोर्ट पर क्लिक करिए एंड 111.93.115.205 ये जो प्रॉक्सी सर्वर पर यहाँ पर दे दीजिए एंड पोर्ट 80 जो है बहुत रख दीजिए एंड मैं आइडिया का सिम पर ये बहुत अच्छे तरह काम कर रहा है। उसके बाद ओके कर दीजिए एंड ओके करने के बाद दोस्तों, ये जो विंडोज़ खुलेगा यहाँ पर आप सिंपल सा एक बटन आएगा यहाँ पर देख सकते हो एंड ऑटोमेटिक भी कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पर क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप डायरेक्ट ये इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए एंड उसके बाद कोई भी वेबसाइट आप ब्राउज कर सकते हो। ये आइडिया के सिम पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं google.com खोलना चाहता हूँ एंड यहाँ पर देखो google.com भी इंस्टेंट खुल रहा है एंड कोई भी अगर वेबसाइट ब्राउज करना चाहता हूँ तो भी करेगा। यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो WhatsApp का मैसेज भी आ रहा है ठीक ठाक, यानी कि ये ट्रिक काम कर रहा है। तो दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आया, जरूर एक लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें अगर कोई दिक्कत आई तो एंड शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।